अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमर मार्शल आर्ट। तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। तो आज जी हमें कमेंट्स मिला था कि राउंड ऑफ के साथ बैकफ्लिप सिखाएं, तो आज उसका ट्रिक दूंगा। अब रमज़ान भी है, रोज़ा भी रखा हुआ है और फिर भी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि वीडियो आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी, तो आपको वीडियो बनाते रहेंगे। अभी चलते हैं वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ, फिर डिटेल से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए हैं जी वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं कि ये देखें राउंड ऑफ के साथ स्लो मोशन। मैंने इसलिए किया कि आपको वीडियो नज़र आ सके, और कुछ एंगल मैंने चेंज किए हैं मुख्तलिफ, इसमें आपको नोट करने को मिलेगा कि किस तरह से करना है। अब देखें कि स्लो मोशन आ रहा हूँ बिल्कुल, और आपने इसको नोट करना है। मेरी ये जो देखें बॉडी लैंग्वेज है, बिल्कुल आपने अपनी अलाइनमेंट सीधी रखनी है, बाजू अपने पाँव की मदद से सहारा लेना, थोड़ा सा फास्ट भी जा रहा है। देखें मैंने दो तीन एंगल लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। आप देखें कि बिल्कुल स्लो मोशन है, हाथ मेरे ऊपर है, फर्स्ट लेग मेरी आगे है और सेकंड लेग से मैं पुश करूँगा, अपने हाथ ज़मीन पर रखूँगा और बिल्कुल सीधे होंगे। इस तरह से आपने सपोर्ट लेनी है अपने हाथों की मदद से और लेग्स की मदद से राउंड करना है इस तरह से, और फिर अपने हाथों को ऊपर की तरफ देखना और सामने देखना है, और अपने नीज टोज शोल्डर और हैंड की मदद से आपने जंप लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जंप बनता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ के जंप बना है। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा फास्ट करूँगा, चेक करिएगा। इस तरह से स्लो मोशन, ये मेरा हाथों पे वेट है, सेकंड लेग की पुश है, यहाँ पे आके पाँव मलाए, और ये मैंने सिर्फ लेग से जंप लिया है, हाथ नहीं ऊपर फेंके, क्योंकि जब मैं हाथों की सपोर्ट लेता तो फिर ये क्लियर हो जाती थी, फ्लिप लग जाती, तो इसीलिए जस्ट आपको दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी आपने देखा कि मैंने रौनक के साथ बैक से मतलब, और ये इसकी मूवमेंट आपने देखनी है प्रॉपर, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। एकदम से नहीं आता, लेवल सिक्स है ये। ठीक है, ये उनके लिए जो स्टैंडिंग पे समझ कर लेते हैं और उनको राउंड ऑफ से नहीं आता, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट्स मैंने बता दिए कि आपके जो है बॉडी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। बस आपकी रनिंग सही होनी चाहिए, स्टेपिंग होनी चाहिए पाँव की। ठीक है, उसके बाद आपने जो राउंड ऑफ खींचने, तो आपकी लेग्स कमर की पुश लेनी है आपको, और अपने हैंड्स को जो है ना निकेलना है ज़मीन से, तभी आपकी जो राउंड ऑफ बनेगी। अभी आप ट्यूटोरियल में देख रहे होंगे, तो इसी तरह से आपने इसको करना है। और सेकंड, आपने जब राउंड ऑफ करना है तो साथ ही आपने अपने हैंड्स को, अब इसमें चार तीन चार चीज़ों का इस्तेमाल है। वो किस तरह से, जैसे मेरा राउंड ऑफ स्टैंड होता है, मैं सामने देखता हूँ और टोज़ की मदद से, नीज़ की, शोल्डर की और अपने हैंड्स की मदद से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ और सामने देख रहा हूँ। जब ऊपर फेंकते हैं इसको क्लोज करना है, नीज को इस तरह से क्लोज कर देना। जब क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मूव हो जाएंगे, आपका जो है अराउंड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने इस पर फोकस करना है, और याद रहे कि आपने उस जगह पे नहीं करना जहाँ पे हार्ड हो, नीचे मैट्रेस रखें, फॉर्म रखें, तभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप ये फ्लिप नहीं करें और किसी कोच की मदद से करें, ऐसे कभी भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बना के दे देता हूँ कि आप सीखें, क्योंकि हमने भी मेहनत की, अपने साथियों से सीखा जिनका क्रेडिट जा रहा है अभी अब्बास साहब को, तो इज अ ग्रेट टीचर है माशाल्लाह, और उन्हीं की बदौलत आज हम इस मुकाम पे हैं। तो अब वीडियो को आप मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे मार्शल आर्ट को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी रोज़ा भी था तो काफ़ी जो है वीडियो बनाई है मैंने।